मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने यहां प्रदेश स्तरीय आभार सह उपहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने मंच से लाडली बहनाओं के लिए गाना भी गाया। गाना गाते हुए बहनों को राखी का उपहार दिया। उन्होंने मंच से घोषणा की कि 10 तारीख को सभी बहनों के खाते में इस बार 12.5 की जगह 1500 रुपए आएंगे। साथ ही उज्ज्वला गैस कलेक्शन के लिए भी 40 लाख बहनों के खाते में 450 रुपए डाले जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने इस दौरान चित्रकूट में चल रही अवैध पार्किंग पर सख्ती दिखाई। चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहलवाल की समस्या उठाने पर उन्होंने मंच से ही चित्रकूट में हर तरह की वसूली बंद कराने के निर्देश सतना कलेक्टर को दिए। उन्होंने कहा कि आज से सारी वसूली बंद करवाई। फूलों का बालों का सबका गहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करके। ये भाई बहनों का अद्भुत त्योहार है, सारे त्योहारों का राजा है। ऐसे में प्रत्येक लाडली बहना के लिए 250 रुपया सरकार द्वारा भी हर रक्षाबंधन के पर्व पर दिया जाएगा। 1250 तो पहले से हम देते ही हैं, और इसी अवसर पर 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन की टंकी का, वो भी सरकार ने देने का तय किया है। यहाँ अकेले 3,84,000 ज्यादा लाडली बहना है, और अभी तक 674 करोड़ रुपया दे चुके हैं। 10 करोड़ रुपया अकेला इसी 250 रुपया से अकेले सतना जिले में देंगे। सब मिलाकर के पूरे प्रदेश में ये सारे त्योहारों की श्रृंखला सरकार समाज के साथ मनाना चाहती है। सबके साथ मिलजुल करके सभी त्योहार आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए और खास करके नारी सशक्तिकरण के लिए ये बड़ी योजना है। मेरी अपनी ओर से चित्रकूट कामतानाथ भगवान की धरती पर माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह गहलवाल जी, हम सब मिलकर के इस त्यौहार को मना रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः सबको बधाई।